सबसे पहला सवाल, गया से गया नगर निगम डिप्टी मेयर के पद के प्रत्याशी के रूप में आप चर्चित में हैं, तो क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में और क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, चुनाव लड़ना हर व्यक्ति का एक संवैधानिक अधिकार होता है, और मेरा चुनाव लड़ने का मेन मुद्दा यह है कि आज के डेट में निगम से जो आम पब्लिक को जो सुविधा मिलना चाहिए, वो सुविधा आज 10-15 साल से जनता के बीच में उस सुविधा पहुंच नहीं पा रही है। दूसरी बात यह है कि यहाँ का जो निगम का जो व्यवस्था है, जो निगम के जो पार्षद है या निगम के जो मेयर डिप्टी मेयर है, इन्होंने आज पूरा का पूरा निगम को पूरा भ्रष्ट कर रखा है। निगम से जो फैसिलिटी मिलना चाहिए, जो सौंदीकरण होना चाहिए था गया के अंदर, जो स्वास्थ्य सेवा होना चाहिए था, जो एजुकेशन मिलना चाहिए था, आज के डेट में 0/0 हो चुका है। निगम में जो फैसिलिटी आम पब्लिक के बीच निगम के माध्यम से पहुंचना चाहिए था, वो आज जनता के बीच में नहीं पहुंच पा रही है। और मेरा एक संकल्प है, मैंने एक संकल्प लिया है कि अगर मैं गया की जनता अगर मुझे चुनकर अगर नगर निगम पहुंचाती है, तो मैं सबसे पहला काम करूंगा कि जो भी वार्ड है, हर वार्ड में वार्ड क्लिनिक देने का काम करूंगा, हर वार्ड में अच्छी सड़क देने का काम करूंगा, हर वार्ड में अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने का काम करूंगा। और जो गरीब लोग आज के डेट में जो बाहर ठेला लगा रहे हैं या जो अस्थायी रूप से जो दुकान लगा कर बैठे हुए हैं, हम उन तमाम लोगों को निगम के ओर से, जो निगम के ओर से जो भी होगा सुविधा, हम उनको अस्थायी करने का काम करेंगे। ये मेरा एक संकल्प है, और जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जनता वैसे व्यक्ति को निगम पहुँचाने का काम करें जो जिससे आम जनता को फुल सहयोग मिले। इस बार सरकार ने जो निर्णय लिया है जी, कि डायरेक्ट रूप में पब्लिक जो कि मेयर रूप मेयर को चुनेंगे, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तो सरकार का जो ये प्रोपेगंडा है, ये आम जनता के हित में है, और जनता को ये चीज़ आज से 10 बरस पहले मिलना चाहिए था। जो जनता 10-15 साल से जिसकी खामियाजा भुगत रही है, कम से कम सरकार ने इस नियम को लाके जनता के हित में बहुत बड़ा काम किया। आगे जो आप बता रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और लोगों को जो है कि निगम के द्वारा अभी खामियाजा भुगत गए हैं जी जी, तो क्या लगता है कि पिछले कई सालों से जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे अपने पद पे, तो जनता के हित में कोई काम नहीं किए हैं? नहीं, अभी तक तो हमको दिख नहीं रहा है कोई भी ऐसा काम जनता के हित में। आप देखिए, नज़र उठा के देख लीजिए, गया शहर दो पवित्र स्थल कहा जाता है, एक ही यानी आपको जो विष्णुपथ मंदिर है उसके वजह से दुनिया के सारे लोग यहाँ आते हैं, सारे तीर्थयात्री आते हैं यहाँ पर, जो पिंडदान करने का काम करते हैं। बौद्ध धर्म है यहाँ, जो इंटरनेशनल प्लेस कहा जाता है, उसके माध्यम से आप देख लीजिए, एक भी कहीं का कोई सड़क ना नाला ना किसी तरह का कोई सौंदर्यकरण है। इतना फंड आने के बावजूद भी ये जो निगम में जो बैठे हुए हैं मेयर डिप्टी मेयर जो है, पूरे का पूरा यानी समझिए कि भ्रष्ट कर बैठा है, पूरे पूरे निगम को बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने। तो मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि जनता वैसे व्यक्ति को चुन के निगम तक पहुँचाने का काम करे जिससे जनता का जो उसका हक और अधिकार है उनको मिलना चाहिए। आप जिस आरोप को लगा रहे हैं, लेकिन गया को बिहार में नंबर 1 स्वच्छता में लेकर जो है कि रिपोर्ट आया है, उसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, रिपोर्ट आया है वो कहना आपका बिल्कुल सही है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे जो है, आज जो ज़मीनी स्तर पे आप गया शहर में आप खुद घूम के देख सकते हैं क्या हालात है, ना सही से यहाँ का ड्रेनिंग सिस्टम है, ना यहाँ का कहीं सही आपको सड़क व्यवस्था है, ना हेल्थ का कोई सुविधा है निगम के तरफ से, ना कोई एजुकेशन अच्छा है। मैं यही कहना चाहूँगा, ज्ञान जो मिलना चाहिए वो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर जनता मुझे चुनकर अगर निगम पहुँचाने का काम करेगी, तो मैं जनता से ये वादा करता हूँ कि आपका हक अधिकार को सबसे पहला प्रथम मेरा योगदान रहेगा उसमें। लेकिन ये तो चुनावी मुद्दे लोग सभी अपनाते हैं हथकंडे कि हम आपके लिए खड़े रहेंगे, आपके लिए करेंगे, लेकिन जीतने के बाद वही आदमी कल्टी मार जाते हैं, एसी बंगला में रहते हैं, और आम जनता जो गरीब है वही बिलकती रहती है। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए, जनता को तो विश्वास करना पड़ेगा, किसी न किसी व्यक्ति पर को विश्वास करके ही उसको आप विजय बना के आपको भेजना पड़ेगा। लेकिन जनता मुझ पर भी विश्वास करे,
क्योंकि मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ जो खरीद फरोख्त करके सरकार बनाता हो। मैं आम जनता हूँ, आम जनता के बीच में रहने वाले लोगों के बीच में रहता हूँ और जमीनी स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति हूँ। जनता मुझे अगर सहयोग करेगी, जनता अगर मुझे विजय बना के अगर निगम तक भेजेगी, तो मैं जनता से ये वादा करता हूँ कि उनका जो भी निगम से मिलने वाला जो भी उनका ये होगा, मैं उनको देने का काम करूँगा। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले तो मैं स्टूडेंट था और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, सामाजिक काम भी करता हूँ। समाज के लिए अब तक क्या किया आपने? समाज के लिए बहुत सारा काम ऐसा है जो मैंने किया है, जैसे कुछ बच्चों का, मान के चलिए कोरोना में बहुत सारे बच्चों का ऐसा है जिन जो जिनकी स्वास्थ्य व्यवस्था खराब थी, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, उनसे जो सुविधा हो सकी मैंने उनको दिया। बहुत सारे बच्चों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन करवाया है। बहुत से बच्चों को अभी मान के चलिए जिनकी हालत अच्छी नहीं थी, दयनीय स्थिति थी, उनको मदद पहुँचाया हूँ, चाहे किसी के भी माध्यम से मैंने उनको वहाँ उसके तक पहुँचा हूँ। प्लस अभी जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, हर घर की स्थिति दयनीय है। जहाँ तक मुझसे जो होता है, मैं उनके उनके बीच जाकर उनको मदद करने का काम करता हूँ। अभी जो है कि चर्चा में सैनिटाइज को लेकर कोरोना को जो तीसरा लहर आया है, गया चर्चा में है जी। काफ़ी जो है कि सैनिटाइज करने से जो है कि यहाँ कमी आई है कोरोना को लेकर के, इस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज से 2 साल पहले 2 बार ऑलरेडी कोरोना आ चुका है। उस समय आप निगम के मेयर हो या डिप्टी मेयर हो, आपको नहीं देखते थे कि सड़क के किनारे जाके सैनिटाइज करना या लोगों को मदद पहुंचाने का। आज उनको डर सता रहा है कि अब तो हमारा जो काम खरीद फरोख्त करके होता था, अब तो उसके आधार पर अब हम सरकार बना नहीं पाएंगे। तो उनको कहीं ना कहीं अब अंदर से डर सता रहा है कि इस बार हम सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, क्योंकि हमने जनता के बीच में कोई काम किया नहीं है। इस वजह से आज वो गाड़ी लेकर और निगम के लोगों को लेकर जो घरे घर और रोड रोड चल रहे हैं निगम की गाड़ी से सैनिटाइज करते हुए, इससे जनता समझ गई इनकी इनका इनका क्या सोच है और ये क्या करना चाह रहे हैं। जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है इस बार। अभी 26 जनवरी पर आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? 26 जनवरी को आम जनता को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि सबसे बड़ी पहली बात तो गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इन तमाम जनता को, गया वासियों को, और एक संदेश कि आप ऐसे लोगों को चुने जो आपके बीच रह कर काम करने का काम करें और हर आपके सुख दुख पे आपके साथ खड़ा रहे। परिचय दीजिएगा जी। मेरा नाम सैयद इमरान नबी, अलीगंज, सामाजिक कार्यकर्ता।